Hello guys, how are you? Myself Nitu Gupta from NLS Bangalore. Again I am with you to share some more legal terms and phrases so that you can crack your law entrance exam. So let us start. First is binder. What do you mean by the term binder? Binder आपके एक written statement है. Suppose you are making an agreement. And in that agreement, there is a written term of some important terms of the agreement. For example, under insurance policies. ये written statement insurance policies में होती है. So that कि जो insured है as well as lenders, दोनों को ये पता हो कि वहाँ पे valid और adequate insurance coverage हो रहा है. That is a binder. Is it clear? Blackmail. किसी को आप ब्लैकमेल कर रहे हो, ये काम करो, अगर नहीं करोगे तो उसको डरा रहे हो, धमका रहे हो. किसी को कह रहे हो यहाँ से चोरी करके लाओ जी, आप कह रहे हो मैंने नहीं करना चोरी, फिर आप उसको डरा रहे हो अगर तो चोरी नहीं करेगा तेरे को मैं मार दूँगा. दिस इज़ अ ब्लैक हार्म. तो इसमें ये ब्लैकमेल. सो ब्लैकमेल में क्या है, आपको वो डरा धमका भी सकता है, इवन एक्चुअली फिजिकल हार्म आपको भी कर सकता है, आपकी प्रॉपर्टी को भी डैमेज कर सकता है. दैट इज़ अ ब्लैकमेल. ब्लैंक एंडोर्समेंट मीन्स कोई भी चेक की आप एंडोर्समेंट दे रहे हो या किसी भी नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट की आप दे रहे हो विदाउट नेमिंग द पर्सन टू होम इट वुड बी गुड. सो ब्लैंक मीन्स खाली, उसका नाम नहीं लिखते. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है कि जो किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहे हैं, दे आर दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. एंड हु बाय होम दे आर इलेक्टेड, दे आर इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स और दे आर इलेक्टेड बाय दी मेंबर्स. फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, देन दे चूजेज दी ऑफिसर्स ऑफ द कॉरपोरेशन. बेसिक पॉलिसी वहाँ के बनाते हैं, मीन्स रूल्स रेगुलेशन वहाँ के बना रहे हैं. यूजली थ्री डायरेक्टर्स होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, थ्री डायरेक्टर्स होते हैं. अगर कोई लार्ज कॉरपोरेशंस हैं, बॉडी मेंबर्स प्रोवाइड क्या करते हैं, इलस्ट्रियस नेम्स. बट कंपनी है, इट इज़ ऑफन रन बाय द ऑफिसर्स एंड मिडल मैनेजमेंट हु हैव द एक्सपर्टाइज. इज इट क्लियर? बॉयलर रूम. इट मीन्स टेलीफोन बैंक ऑपरेशंस हैं जिसमें बहुत जल्दी बात होती है. कंपेनर्स हैं, दे अटेम्प्ट टू सेल देयर स्टॉक सर्विसेज गुड्स कैंडिडेट्स एंड एक्ट एज इफ दे आर कॉलिंग फ्रॉम एन एस्टैब्लिश्ड कंपनी और ब्रोकरेज. बट ऐसा नहीं होता, दे आर फ्रॉडुलेंट, दे वायलेट सिक्योरिटी लॉज. नेक्स्ट इज बॉयलर प्लेट. बॉयलर प्लेट इट इज़ अ स्लैंग फॉर द प्रोविजन इन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म या लीगल प्लीडिंग विच अपेरेंटली रूटीन एंड ऑफन प्री प्रिंटेड. ये जो टर्म है ये कहाँ से आती है, इट कम्स फ्रॉम एन ओल्ड मेथड ऑफ प्रिंटिंग. अगर आज हम देखें, आज ये बॉयलर प्लेट है, ये जनरली कहाँ पे स्टोर की जाती है, कंप्यूटर मेमोरी में, सो दैट टू बी रिट्रीव्ड एंड कॉपीड व्हेन नीडेड. इज इट क्लियर? That is a boiler plate. Then bona fide. What do you mean by the term bona fide? Bona fide means good faith. पहले मैंने आपको बता दिया, honestly आप किसी चीज़ को believe कर रहे हो. You are acting in a, you are acting bona fide. आपकी knowledge में you are innocent, you can say that is bona fide. Bona fide purchaser है, ये हम पहले discuss कर चुके हैं कि वही है कि जो good faith में believe कर रहे हैं and he is purchasing the goods. उसे नहीं पता कि जो उसको सेलर है वो किस तरह से सेल कर रहे हैं. बॉन्ड. बॉन्ड इट इज़ अ रिटन एविडेंस. आई थिंक सबको ये टर्म पता होगी बॉन्ड क्या है. ठीक है, कंपनी इशू करती है, उसमें डेट है कि कितना डेट लिया हुआ है, कब पे करना है, दैट इज़ अ, और कितना इंश्योरेंस अमाउंट वगैरह, एवरीथिंग दैट इज़ अ बॉन्ड. बॉन्ड्समैन जो बॉन्ड्स बेल बॉन्ड सेल करता है, ही इज़ अ बॉन्ड्समैन. श्योरिटी है, इज इट क्लियर? ही इज़ ऑल्सो बॉन्ड्समैन. नेक्स्ट बूबी ट्रैप. सी इट मीन्स कि आप किसी को अपने ट्रैप में, अपने जाल में फंसा रहे हो और किस वजह से, उसको मारने के लिए, उसको कोई हार्म पहुंचाने के लिए. ठीक है, या शॉर्ट गन से कर रहे हो, इन किसी भी तरीके से, दैट इज़ अ बूबी ट्रैप. बुक अकाउंट.
बुक अकाउंट क्या होती है? ये कस्टमर के अकाउंट में होते हैं, जो कि बिजनेस में ये जनरल टर्म जो बुक अकाउंट आपके बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ होती है। सो इट इज़ एन अकाउंट ऑफ अ कस्टमर kept in a business ledger of debits and credits which shows the amount due at any given time. This can provide a clear basis for suing for a debt. Next is book value. Book value क्या है? It is a determination of value of corporation stock by adding up the stated value of corporate assets as shown on the books of a corporation and deducting all the liabilities of corporation. This may not be true value of the corporation or its share since the assets may be under or over valued. This is book value. Bottomry. What do you mean by the term bottomry? ये एक मॉर्टगेज कॉन्ट्रैक्ट होता है। दिस इज़ अ टाइप ऑफ मॉर्टगेज कॉन्ट्रैक्ट जिसमें शिप एंड फ्रेट इज प्लेज्ड एज अ सिक्योरिटी फॉर लोन फॉर इक्विपमेंट रिपेयर यूज ऑफ अ वेसल। ठीक है, मॉर्टगेज कॉन्ट्रैक्ट है वेयर शिप और फ्रेट इट इज प्लेज्ड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ लोन। इज इट क्लियर? और इस कॉन्ट्रैक्ट को जनरली बॉटमरी बॉन्ड बोलते हैं। अगर लोन नहीं वापस किया जाएगा तो लेंडर कैन सेल द शिप और फ्रेट। इज इट क्लियर? बॉयकॉट आई एम सपोज एवरीवन मस्ट हैव हर्ड दिस टर्म बॉयकॉट। सबने सुना होगा ये तो। जहाँ पे आप रिफ्यूज़, पहले आपने कहा कि आई एम गोइंग टू परचेज सच थिंग्स, बाद में आपने रिफ्यूज़ कर रहे हो। इज इट क्लियर? दैट इज बॉयकॉट। नेक्स्ट ब्रीच मीन्स यू आर नॉट फुलफिलिंग योर ऑब्लिगेशंस, दैट इज अ ब्रीच। इज इट क्लियर? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वही हो गया, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, आइदर रिटन किया था, ओरल किया था। दैट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस, डिपेंड्स अपॉन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? तो जब वो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट में डिपेंड करते हैं आपका, जिस तरह से भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, नाउ वन ऑफ द पार्टीज हैज़ मेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच कर दिया उसने, अपनी ड्यूटी नहीं परफॉर्म किया, ऑब्लिगेशन नहीं परफॉर्म किया, दैट इज़ अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जनरल भी होता है एंड इट इज़ एंटिसिपेटरी ऑल्सो। हाउ इट इज़ एंटिसिपेटरी? कि बिफोर ड्यू डेट से ही आप, अभी आपकी ड्यू डेट आई नहीं थी, सपोज 10th of May इज़ द ड्यू डेट टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, बिफोर 10th May से ही आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, दैट इज़ एंटिसिपेटरी ब्रीच। नेक्स्ट इज़ द ब्रीच ऑफ पीस। कुछ ऐसा काम कर रहे हो आप जिससे पब्लिक डिस्टर्ब हो रही है, पब्लिक का पीस डिस्टर्ब हो रहा है, कि शांति से पब्लिक रह नहीं पा रही है। इज इट क्लियर? टेररिस्ट आ गए हैं तो वो पब्लिक का ब्रीच ऑफ पीस ही हो रहा है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मीन्स किसी की आप कॉन्फिडेंस ब्रेक कर रहे हो, किसी की प्रॉमिस ब्रेक कर रहे हो। ठीक है, दैट इज़ अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। Or you can say it is an act which is in violation of the duties of trustee or the terms of trust. Is it okay? Breach of warranty. Breach of warranty means breach of warranty determines that a statement as to title of property, including real property or any goods, is proved to be untrue. ठीक है, कोई प्रॉपर्टी का टाइटल है, चाहे रियल प्रॉपर्टी है, कोई गुड्स का टाइटल है, वो अनट्रू प्रूव हो गया, वेदर इंटेंटेड एज होल्ड और नॉट। अब ये क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में भी अप्लाई होते हैं, जो आइटम सोल्ड हों उनमें भी अप्लाई हो रहे हैं। सो पार्टी हु इज़ मेकिंग द वारंटी इज लाइबल टू द पार्टी टू हुम द गारंटी वॉज मेड। इज इट क्लियर? दैट इज ब्रीच ऑफ वारंटी। ब्रेकिंग एंड एंट्रिंग। अब आप कोई क्राइम कमिट करने के लिए, टू कमिट अ क्राइम, आप किसी के घर में घुस रहे हो, और किस वजह से? दरवाजे को तोड़ के। ठीक है, किसी भी तरह से आप उनके घर में कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए घुस रहे हो, दैट इज ब्रेकिंग एंड एंट्रिंग। नेक्स्ट ब्राइबरी। ब्राइबरी एवरीवन नोस, कोई काम करवाना है, किसी अथॉरिटी को आप पैसे पे कर रहे हो,
कि ये काम कर दो मैं आपको इतने पैसे दूंगा, दैट इज़ ब्राइबरी। गवर्नमेंट्स को भी पे कर सकते हो, ठीक है। अब आप अपने जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, आपके पास लाइसेंस नहीं है, पुलिस ऑफिसर ने चेक कर लिया, रोक के आपको लाइसेंस दिखाओ, नहीं है। व्हीकल के डॉक्यूमेंट्स हैं, नहीं है, पैसे दे रहे हो उनको, दैट इज़ अ ब्राइबरी। ब्रीफ, ब्रीफ क्या है, ये एक लीगल आर्गूमेंट है, रिटन लीगल आर्गूमेंट, जो हमारे पास देखो लॉयर्स के पास है, केस आ गया, वो क्या करते हैं, एक ब्रीफ प्रिपेयर करते हैं जो कि वो कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं आर्गूमेंट्स के लिए। इज़ इट क्लियर, दैट इज़ अ ब्रीफ। ब्रोकर, हु इज़ अ ब्रोकर, प्रॉपर्टी खरीदनी है हमने, सेलर और बायर के बीच में जो मीडिएटर यू कैन से, जो सारे अरेंज करवाता है, प्रॉपर्टी डीलर यू कैन से, ही इज़ अ ब्रोकर, ठीक है। उनका उसमें कमीशन होता है ब्रोकर्स का, और उन पे जो हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जो सेलर और परचेजर है, दे हैव द रिलेशन ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस विद द ब्रोकर, इज इट क्लियर। ब्रॉट टू ट्रायल, ब्रॉट टू ट्रायल मीन्स जब एक्चुअली ट्रायल स्टार्ट हो रहे हैं और वहाँ पे विटनेस है, पहला विटनेस आ रहा है, स्वेयर कर रहा है कि जो भी बोलेगा सही बोलेगा, ब्रॉट टू ट्रायल। नेक्स्ट, बकेट शॉप, बकेट शॉप मीन्स कि आप इलीगल किसी से बेट लगा रहे हो, इलीगली किसी से बेट लगा रहे हो जहाँ पे कि स्टॉक मार्केट में, हाँ, जहाँ पे कि स्टॉक और कॉमोडिटीज़ के प्राइस पोस्ट किए जाते हैं और कस्टमर्स एक दूसरे से बेट लगाते हैं कि ये राइज होगा या कोई कहता है ये फॉल होगा, जो स्टॉक्स कॉमोडिटीज़ को बाई कर रहे हैं, दैट इज़ बकेट शॉप्स। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ सट्टा, यू कैन से गैम्बलिंग। बिल्डिंग एंड लोन, बिल्डिंग एंड लोन इट इज़ द अनदर नेम फॉर सेविंग्स एंड लोन एसोसिएशन। अब एज द नेम इट्सेल्फ इम्प्लाइज कि ये जो इंस्टीट्यूशंस है, देवर मेंट टू प्रोवाइड लोन्स फॉर बिल्डिंग अ हाउस आफ्टर द डिपॉजिटेड हैड सेव इनफ फॉर डाउन पेमेंट, इज इट क्लियर। नेक्स्ट, बल्क सेल, अब मर्चेंट के पास काफ़ी स्टॉक पड़ा है, वो बल्क में, लार्ज में वो सेल कर रहे हैं, जो सपोज है मैन्युफैक्चरर्स हैं, कोई भी बड़े बिजनेस मैन हैं, रिटेलर्स हैं, उनको अप्लाई होता है ये बल्क सेल। बल्क ट्रांसफ़र क्या है, जब आप उनको सेल कर रहे हो। बर्डन, नेक्स्ट बर्डन, बर्डन मीन्स कि किसी चीज़ का आपके ऊपर लोड है, दैट इज़ अ बर्डन। एक ले लैंग्वेज में एग्ज़ाम्स आ गए, हुए यार एग्ज़ाम आ गए, पूरा बर्डन है हम पे, दैट इज़ अ बर्डन। सो इन लॉ एनीथिंग दैट रिजल्ट्स इन अ रिस्ट्रिक्टिव लोड अपॉन समथिंग, दिस इज़ नॉट मेंट इन टेंजिबल सेंस बट इंक्लूड्स अ बर्न ऑन इंटर स्टेट कॉमर्स विच इज़ एनी मैटर विच लिमिट्स रिस्ट्रिक्ट और इज ओनरस सच एज लाइसेंस फी और पैसेज and burdens on the land such as zoning restriction or the right of a neighbor pass over the property to reach home, that is burden. Now next is burden of proof. Burden of proof means कोई भी civil suit है या criminal है, कि who is going to prove the case? Civil suit में है, evidence तो चाहिए, ठीक है, तो who will prove the case? सबसे पहले क्या है, प्लेंटिफ कहेगा कि डिफेंडर ने ये किया, वो एविडेंस शो करेगा, और जो भी उसने प्रेजेंट किया वो सारे ट्रू है प्रॉबेबली। क्रिमिनल ट्रायल में क्या है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, इट इज़ रिक्वायर्ड ऑफ द प्रोसिक्यूटर टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड एंड दैट इज़ बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट, अ मच मोर डिफिकल्ट टास्क, ठीक है, दैट इज़ अ बर्डन ऑफ प्रूफ। So here I wind up my lecture, then now in the next session there will be some more interesting legal terms and phrases. Thank you.